आज हम लोग बात करने वाले हैं ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानी साम्राज्य की सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी और एलीट फोर्स जेनिसरीज यानी यनिचेरी के बारे में। यनिचेरी का मतलब होता है नई फौज। ये फौज उस्मानियों की रेगुलर आर्मी से अलग थी और नई थी, संभवतः इसीलिए इसे यनिचेरी यानी नई फौज कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई है ठीक ठीक बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि उस्मानी साम्राज्य के तीसरे शासक सुल्तान मुराद ने सन 1370 में बेजेंटाइन आर्मी के युद्ध बंदियों को अपनी फौज में शामिल किया और उनको यनिचेरी नाम दिया। फिर यूरोप से ईसाई बच्चों को बंदी बनाकर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके यनिचेरी में भर्ती किया जाने लगा। ये फौज सुल्तान की पर्सनल गार्ड थी और सुल्तान के प्रति पूरी तरह ईमानदार थी, जो राजमहल में सुल्तान को दरबारी साजिशों से बचाती और मैदान में दुश्मनों से लड़ती। ये फौज इतनी ताकतवर, वेल ट्रेन और डिसिप्लिन थी कि यूरोप की बड़ी बड़ी फौजें भी इसका सामना नहीं कर पाती थी। इन्हीं की मदद से उस्मानियों ने एक के बाद एक करके कई लड़ाइयां जीती और अपने साम्राज्य को तीन महाद्वीपों में फैलाया।